कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहे लखनऊ शहर से एक दिल दुखाने वाली घटना सामने आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पेशे से व्यापारी सुरेश प्रसाद लखनऊ के कुर्सी रोड पर रहते थे। बीते दिनों अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई, सांस लेने में दिक्कत हुई। कोरोना संक्रमण की शिकायत के बाद उन्हें DRDO के अस्थायी COVID-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सुरेश प्रसाद का बेटा चंदन, जो कि पढ़ाई के बाद बिजनेस में पिता का हाथ बटाता था, रोज अपने बीमार पिता से मिलने अस्पताल जाता था। हालांकि हर बार उसे अस्पताल के बाहर ही रोक लिया जाता। फोन पर भी अपने पिता से उसकी बात नहीं हो पा रही थी। जैसे तैसे बेटा अस्पताल के पास के रैन बसेरे में रहकर पिता के बारे में जानकारी जुटाता रहा, लेकिन यहाँ से भी उसे संतोषजनक जानकारी नहीं मिल पाई। बेटा दिन ब दिन परेशान होता रहा। फिर एक दिन बीमार पिता ने अपने बेटे तक एक संदेश पहुंचाया। बीमार पिता ने बेटे से कहा कि उन्हें बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है और अस्पताल में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, वो घर पर आना चाहते हैं। इस संदेश के बाद बेटे ने अस्पताल वालों से अपने पिता को डिस्चार्ज करने को कहा, लेकिन उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं किया गया। बताया गया कि पिता वेंटिलेटर पर हैं और ऐसे में उन्हें डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता। अपने बीमार पिता से ना मिल पाने के कारण चंदन लगातार बेचैन होता जा रहा था। उसे कुछ नहीं सूझा तो अस्थायी कोविड अस्पताल में वार्ड बॉय की नौकरी कर ली। चंदन नहीं चाहता था कि किसी और को इस बारे में पता चले, तो वह अपने पिता को उतना ही समय देता था जितना दूसरे मरीजों को। पिता के पास ज़्यादा समय गुजार सके, इसलिए चंदन ने डबल शिफ्ट की, यानी दिन में 16 घंटे काम किया। चंदन अपने पिता के साथ दूसरे मरीजों की भी समान सेवा भाव से देखभाल करता रहा। बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से उसके पैरों में छाले तक पड़ गए। उसने सीट बदली, टॉयलेट साफ किए। आखिर में 6 दिन बाद उसके पिता इस दुनिया से चल बसे। चंदन ने बताया कि उसके पिता ढंग से खाना नहीं खा पा रहे थे, बार बार कहते थे बेटा मुझे यहाँ से ले चलो। तो दोस्तों, आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि इस दुख की घड़ी में और इस महामारी के बीच में अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सकारात्मक रहिए, सकारात्मक बातें करिए और सकारात्मक माहौल बनाए रखिए।